हेलो करते हैं। हेलो हाय जो देखिए मम्मा, इसने मुझे ना अपने माथे में छूने दिया। चो जाओ क्या चमकता है? कछुआ। अच्छा, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:53, 7 मिनट रह गए 3 बजने को। लंच हो गया, पति देव चले गए लंच करके। मुझे लगा चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया को वीडियो में लिया करो, जीजू अच्छे लगते हैं। कोशिश करती रहती हूँ। वैसे अब इतना नहीं शर्माते हैं जितना पहले शर्माते थे। पहले तो आते ही नहीं थे, देखते थे वीडियो बन रहा है, कोसों दूर चले जाते थे। तो होता ही है, धीरे धीरे देखिए आदत सबको हो जाती है। तो लंच करके चले गए और बर्तनों का ढेर लगा है और सफाई वगैरह सब कुछ हो गई। और अब मुझे आज खाना बनाना है, जल्दी बनाना है। आज है संडे, डेट है 17 मई, भूल गई थी, तो आप लोग बोलते हैं डेट नहीं बताते। 17 मई है आज। और किचन की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, और रैक जो है वो मैंने सेट कर दी है। तो पहले मैं किचन को पहले समेट लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर बर्तन रखे हुए हैं। आज मैं झाड़ू में लग गई थी, झाड़ू पोछा में, पोछा लगाया आज, अच्छे से किया। उसके बाद अभी गई थी मार्केट, मार्केट से लेकर आई पनीर और थोड़ा बहुत और सामान था वो लेकर आई। टमाटर वगैरह नहीं थे, क्योंकि रामपुर से मैं नहीं लेकर आई टमाटर वगैरह, तो यहाँ से लेकर आई। और क्योंकि भाई आएगा अभी, अभी तो नहीं आएगा, मतलब 5-6 बजे तक आएगा वो शायद, फिर उसको खाना लेकर जाना है। और उसने बोला था कि छोले और पनीर की कोई भी रेसिपी, कढ़ाई पनीर बोल रहा था, पर शिमला मिर्च नहीं मिली। तो मैंने कहा चलिए ग्रेवी वाला पनीर बना लेंगे, जैसा मैंने पिछली बार भी एक बार उसको दिया था, आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो आज मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी, छोले की तो है मेरे चैनल पर, चलिए थोड़ी बहुत वो भी शेयर कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये समेट लेती हूँ सब कुछ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ किचन में। तो अभी हो रही हूँ मैं सारे बर्तन धोकर फ्री, थोड़ी देर लेट गई थी आपसे बात करने के बाद। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 का। और सब्जियाँ, ये टमाटर वगैरह लाए थे ना सब्जियाँ, ये मैंने अभी पानी में डिप करके रखी थी काफ़ी देर से, अभी ये छन्ने में डाल दी है। और ये मैंने अभी गोए थे चने, ये ना मैंने सुबह भिगोए, रात में मैं भूल गई थी काबुली चने। तो अब मैं इस पानी को निकाल दूँगी और इसे चढ़ाऊँगी मैं उबलने के लिए। और देखती हूँ अगर मुझे पोटली से कोई मिले तो चाय पत्ती डालूँगी, नहीं मिली तो नहीं डालूँगी। कॉटन का कपड़ा कोई मिल जाए ना, पढ़ रही थी कमेंट्स तो ये कह रहे थे ये दिखाना। तो देखिए ये मैंने सेट कर दी है, और मतलब ऐसे ही अभी सेट नहीं की है, सिर्फ सामान निकाल कर इसमें मैंने लगाया है। और इस पर मैंने फूल रखा है जो बहुत प्यारा लग रहा है, और आ गए हैं इसमें सारा आ गया, और बहुत स्पेस बच गया है इसमें, और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो इस तरीके से दिख रहा है, कैसा लग रहा है मुझे बताना। बहुत सारे कमेंट्स थे कि दिखाना कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो ये ना मैंने 750 का लिया है, उन्होंने 750 बोला और 750 का ही उन्होंने दिया। वो भैया 1 रुपये भी कम ज़्यादा नहीं करते हैं, 1 रुपये भी, क्योंकि उन्होंने पहले लेस करके ये लगा रखा होता है। तो ऑनलाइन 999 का ही ये था, और 945 या 949, 950 इसी तरीके का ही ऑनलाइन भी था, और तो मुझे ठीक पड़ गया 750 रुपये में, और ठीक पड़ गया। और जो दूसरा वाला है जो मैं यहाँ के लिए बोल रही थी, वो 500 कुछ का बताया, 550 शायद, कि 535 मुझे इतना, 550 तक का वो बताया, और ये वाला 750 का दिया। तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है ये अभी। तो ये इसमें सारे आ गए हैं 6 बॉक्स, और ये अभी खाली है, ये तो खाली है ना, और ये भी खाली है, ये मैंने अंदर रखी थी धोकर,
ये अचार की जो शीशियाँ आती है ना, तो पहले ये मैं ना दे देती थी, मतलब जब भी ये मेरे पास इकट्ठी होती थी तो मैं किसी को दे देती थी, पर मुझे ये लगा कि नहीं ये काम की, प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा ये रहता है। अभी ये खाली है और यहाँ भी मतलब बहुत स्पेस है, काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशियस है और काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बाहर दिख रहा है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अंदर रखी थी, प्लेटफॉर्म खाली था, तो बाहर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, पर अच्छा है, सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है पनीर बनाने की, तो बस पनीर की ग्रेवी हम पहले बनाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें अदरक लहसुन और 3 हरी मिर्चें मैंने मतलब मोटी मोटी काट कर डाल दी है, और उसके बाद ऐड किया है ये 2 मीडियम साइज़ के ये प्याज थे, इन्हें मैंने लंबा लंबा काट कर डाल दिया है। तो हल्का सा हम इन्हें भूनेंगे, मतलब पिंक होने तक भूनेंगे, ये देखिए आप जैसे अभी हो चुके हैं। इसी के बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं, तो ये 3 टमाटर मैंने काटे थे और तीनों मैं नहीं डाल रही हूँ, तो ये देखिए आप मतलब 1.5 से थोड़े ज़्यादा मैंने डाले हैं। और इसके बाद ऐड करेंगे नमक और इसे मिलाएंगे, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए इसकी इसका पेस्ट मैंने बना लिया है, और यहाँ कढ़ाई में दोबारा से तेल हीट किया है, इसमें ज़ीरा ऐड किया है और हल्दी और देगी मिर्च यहाँ डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस थोड़ा सा मिला लेंगे इन दोनों चीज़ों को, और गैस को कम रखा है ताकि ये जल ना जाए, नहीं तो बहुत गंदी स्मेल आती है, जल जाता है अगर ये। तो अब यहाँ पर ऐड कर देंगे ये जो ग्रेवी हमने पीस रखी है, ये जो मसाला पीस कर रखा है टमाटर प्याज का, तो बस पानी डाल दिया है, अच्छे से मिलाएंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, मतलब 1-2 मिनट तक ही भूनेंगे। तो यहाँ हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और नमक ऐड करेंगे, और नमक को हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था जब हम टमाटर प्याज को भून रहे थे। तो बस नमक यहाँ डाल दिया है, और इसके बाद इसे अच्छे से मतलब 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। कसूरी मेथी भी मैंने यहाँ पर ऐड की है हाथों से क्रश करके, तो बस इसमें मतलब 2-3 मिनट तक इसे भूनेंगे जब तक हमारा तेल ना सेपरेट हो जाए। और देखिए तेल सेपरेट हो चुका है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है पानी और अच्छे से मिला लेंगे। पानी में एक उबाल आने तक हम इसे उबाल लेंगे, मतलब जब तक कि एक उबाल ना आ जाए, उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पनीर मैंने बचा दिए है 8-9 क्यूब्स, इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी और मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। गर्म मसाला ऐड कर दिया है, और बस इसके बाद ये देखिए कद्दूकस करके पनीर मैंने डाल दिया है और बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो जब सर्व कर रहे हो उस टाइम पर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम इसे ढक देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और दूसरी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, इसमें भी मैंने तेल डाला है, जीरा ऐड किया है, और एक प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, बड़े साइज की प्याज थी। और ये देखिए मतलब ये वो 1.5 टमाटर थे, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन्हें साथ में पीस लिया है, और जीरा चटकने के बाद प्याज को डाल दिया है, और प्याज को भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ये टमाटर का प्यूरे, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो हमने बनाया है, और उसके बाद ऐड कर देंगे नमक। तो बस अच्छे से मिलाएंगे, और इसमें ना हम सारे सूखे मसाले जो हैं इकट्ठे करके मैंने डाले हैं। तो इसमें क्या क्या लिया है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने काला नमक, थोड़ा सा हींग, हल्दी, देगी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, और मतलब जितना छोले हैं उसके अकॉर्डिंगली, और सारे इकट्ठे डाल दिए हैं। ये देखिए फिर अच्छे से भूनेंगे, और आप देख सकते हैं कलर खुद ब खुद जो है वो हमारे तड़के का, हमारी ग्रेवी का एकदम से चेंज हो जाएगा जैसे जैसे भूनते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चा मटेरियल सारा डाला है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से भूनना है, मतलब 6-7 मिनट 8 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये देखिए सारा मतलब पानी जो है वो सूख चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। इस टाइम पर ऐड किए हैं छोले, तो पानी पहले नहीं डालेंगे, छोलों को डाल है, और ये देखिए अच्छे से मिलाएंगे, और कुछ मतलब आधे आधे नहीं, मतलब 30% ये जो छोले हैं इन्हें हम मैश कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं कड़छी से ही। और बस उसके बाद पानी आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं यही छोले वाला पानी। और ये देखिए ये हमारे जो हैं उबाल आने तक छोड़ देंगे, तो देखिए तेल सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने हरा धनिया, गरम मसाला इसमें मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो बस ये हमारे छोले तैयार हैं, और ये देखिए हमारा पनीर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी ये यकीन मानिए बहुत टेस्टी था। तो अभी टाइम हो गया है 7:45 का, और खाना मैंने बना दिया है, ये पैक कर दिया है भाई का, इसमें पनीर डाला है और इसमें छोले डाल दिए हैं, इसमें बचा हुआ पानी डाल दिया था,
क्योंकि हम लोग चावल के साथ खाएंगे, दूध नहीं ले जा सकते ना ज़्यादा तरी वाला, तो थोड़ा सा बच रहा था, मैंने कहा क्यों इसे वेस्ट करना। और यहाँ लगी है चाय, तो अब ये जाएगा, लेट हो गई थी, थोड़ा टाइम लग जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना आज, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं किचन में, तो अब ये चाय पियेंगे उसके बाद ये निकलेगा। तो चाय पी ली है और भाई जा रहा है, तो मैंने मुझे लगा चलिए ऊपर तक उसे छोड़ कर आ जाती हूँ गाड़ी तक। इसको गिराई हो नहीं, सीधा जैसा रखा गया जैसे, और तेज ना चलाई हो गाड़ी, पीछे मत रखा, आगे ही रहने दे, आगे नाचेगा नहीं, तो तू नाचते हुए मत जाइयो ना, और दौड़ियो ना तेज है, आराम से जाइयो। ये कंबल क्यों डाली है इसमें, दोनों को ले गया था कंबल, गुड। ठीक है, ठीक है भाई, आराम से जाइयो। सूखा सूखा क्यों खा रही है, चिंता मत करो, अगर बैंक के साथ हूँ इन्हें कुछ नहीं होगा। मिस्टर बेंजो आप नहीं जा सकते। कैसे हैं आप सब, अच्छे ही होंगे। हाँ बिल्कुल, तो अब खाते हैं हम लोग खाना, और किचन में आज हालत हो गई पूरी, बहुत गर्मी है ना आज, फैन चलाने पड़ेंगे अब। निकालूं खाना, खा लेते यार, सो जाते, रेस्ट करना होता है। खाना खाने के बाद मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, तो देखिए लावण्या यहाँ आ ही गई। 3-4 दिनों से वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे कुछ धोने को दो प्लीज़, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। तो उसके पापा ने उसे एक प्लेट दे दी और बहुत खुश हुई, और सच में उसने बहुत अच्छे से प्लेट को साफ़ किया, आप देख सकते हैं तभी मैंने आपको दिखाया, और बहुत अच्छे से उसने, इतने अच्छे से सूजल भी नहीं, वो फटाफट करता है, इसने बहुत अच्छे से प्लेट को दोनों तरफ से धोया और बहुत खुश हुई, और कह रही थी मम्मा ये कढ़ाई भी मैं ही धो देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो लेना। तो बस इसके बाद लावण्या अपना अंदर खेल रही है, और हस्बैंड वैसे ही आ जाते हैं खाना खाने के बाद बाहर, और मैं भी आ गई हूँ किचन से फ्री होने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आज हो रही है। तो बस खाना खाने के बाद किचन वगैरह साफ़ किया, उसके बाद हाथ मुंह धो दिया है मैंने, और अब मैं आ गई हूँ, तो थोड़ी देर यहाँ टहलेंगे, उसके बाद मैं अंदर चली जाऊँगी। वैसे काम तो सारा हो ही गया है, और सूजन नहीं है तो उस वजह से काम थोड़ा कम हो जाता है, तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैं 3-4 चक्कर लगाती हूँ, थोड़ी देर उसके बाद फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। और ठंडी ठंडी हवा, मतलब शाम के टाइम, रात के टाइम यहाँ पर चलती है। 9:30 का टाइम हो रहा है, और आज हम लोग 3 हो गए हैं, जल्दी जल्दी तो क्या, जल्दी हो जाते हैं। और कल ना मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रही थी, क्योंकि भूखे भी थे शायद इस वजह से भी, और कल धूप बहुत तेज़ थी तो उस वजह से भी सर दर्द बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने रात को कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, शायद एक आधे का किया होगा तो मुझे नहीं लगता, और मैं वैसे ही सो गई थी, और सुबह से फिर टाइम ही नहीं लगता। अब देखती हूँ, अब फटाफट से जाती हूँ लावण्या को भी सुलाती हूँ, क्योंकि कल उसका टेस्ट है, और फिर आज की वीडियो के कमेंट्स भी है। तो एक कमेंट अभी मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था मैम आप रिप्लाई नहीं करते, यार मैं रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ हर एक इंसान के रिप्लाई करने का, तो कल ही मैंने वीडियो में नहीं किए, और कभी बीमार हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए तो मैं नेक्स्ट डे कर देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ आज सारे कमेंट का रिप्लाई करने का, और इस वीडियो का करती हूँ अब यहीं पर एंड। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।